there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि मैं आपका मित्र बोल रहा हूँ और आज मैं आपको फ्री एनर्जी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में लाइट को कर सकते हैं और कैसे करेंगे। जैसे कि यदि आपके पास आरओ की मोटर है तो आप आरओ की मोटर से बिजली को कैसे फ्री एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे पास मल्टीमीटर भी है तो मल्टीमीटर के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें चेक कर सकते हैं, और आपको लाइट भी चालू करके दिखाऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपको आरओ की मोटर जो है तो मार्केट में आप सेकंड हैंड लेंगे तो आपको नॉर्मली 100 से 150 के प्राइस में आपको मिल जाएगी मार्केट में, और ये आपका जो वोल्टेज है तो 150 से 200 वोल्टेज डीसी और एसी में आपको दोनों प्राप्त करेंगे। और इसमें मैं आपको चला के दिखाऊंगा कैसे आप इसमें चला सकते हैं और इसमें पूरी तरह से यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कि आरओ जो मोटर है तो ये आपकी नॉर्मली सभी घर में यूज होती है, आरओ यूज होता है उसी में आपको मिल जाएगी ये मोटर। यदि आप मार्केट में परचेस करेंगे तो आपको सेकंड हैंड में आराम से 150-200 में मिल जाएगी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर में मैं इसको डीसी में रखूंगा, और डीसी में रखने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज आता है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं मल्टीमीटर की ओर, इसमें अभी एक भी वोल्टेज नहीं बता रहा। मैं इसको जैसे घुमाऊंगा तो इसमें वोल्टेज होगा, ये तो आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो घुमाने से आपको जो वोल्टेज आ रहा है तो आपका 7, 8, 9, 10 तक आ रहा है। तो इस तरह से आपको, मैं इसके ड्रिल मशीन होगी तो ड्रिल मशीन से लगा के इसमें चालू करूंगा, और चालू करके आपको दिखाऊंगा कितना वोल्टेज हमको प्राप्त होता है और इससे क्या क्या चल सकता है और कैसे आप फ्री एनर्जी को बना सकते हैं। तो फिर इस तरह से आपको क्या करना है कि ड्रिल मशीन होगी तो ड्रिल मशीन से इसको घुमाएंगे, और घुमाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज हमको प्राप्त हो रहा है। और सबसे पहले मैं एसी वोल्टेज आपको चेक करूंगा। एसी वोल्टेज आपको एसी 200 में रखता हूं, और 200 में रखने के बाद मैं ड्रिल मशीन से इसको घुमाऊंगा और मुझे कितना डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। इसके बाद मैं आपको जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं 100 वाट के, उसको जला के दिखाऊंगा कितना जलते हैं। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि ड्रिल मशीन है, तो इसमें मैं इसको लगा के आपको एसी वोल्टेज चेक कराऊंगा। फ्रेंड्स, तो मैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास 100 वाट का बल्ब है और ये फिलामेंट वाला बल्ब है, तो इसको मैं जलाऊंगा और वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा कितना वोल्टेज हो रहा है। और इसमें जो बल्ब है तो बल्ब भी जलेगा आपका, तो कितना हमको इसमें एसी मिलता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा इसमें, और कनेक्शन करने के बाद आपका मल्टीमीटर भी रहेगा जो आपके एसी में रहेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बल्ब इसका जो है तो ग्लो कर रहा है और कितना जल रहा है इसको, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहे वीडियो में, चालू कर। तो फ्रेंड्स, अब इसको मैं ऑन करता हूँ मशीन को, और इस तरह से आप फ्रेंड्स एसी को प्राप्त कर सकते हैं करंट को, और इससे आप मोबाइल चार्जर हो गए चार्जर भी चला सकते हैं, और बल्ब वगैरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं इसमें पूरी तरह से। और मैं अगला सेटअप मैं आपको, ये मेरी गाड़ी की बैटरी है 12 वोल्ट की, इसको मैं चार्ज करके बताऊंगा कि चार्ज होती है कि नहीं होती है। और मैं इसको आपको मीटर में सबसे पहले दिखाऊंगा कितना वोल्टेज चार्ज है इसका। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ पहले, और निकालने के बाद इसका पहले मैं आपको इसको डीसी रेंज में रखता हूँ मीटर को, और डीसी रेंज में रखने के बाद मैं इसको आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि इसमें आपका कितना वोल्टेज मिल रहा है। और फिर इसके बाद मैं इसको चार्ज करूँगा, चार्ज करने के बाद इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7 वोल्टेज के करीब आ रहा है आपके उसमें, तो इसको मैं चार्ज करूँगा, और चार्ज करने के बाद इसमें देखूँगा कि कितना वोल्टेज चार्ज होता है और कितना मिलेगा। कनेक्शन कर दिया फ्रेंड्स, और मैं इसको चार्ज करूंगा। इसको चार्ज करने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा, और 5 से 7 मिनट चार्ज करने के बाद ये आपको पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, और मल्टीमीटर में मैं आपको
वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। तो इसको मैं चार्ज करता हूँ और चार्ज करने के बाद देखता हूँ कि कितना चार्ज होता है। इसको मैं 5 से 7 मिनट चलाऊंगा। रुक ला वीडियो, रुक ला। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको चार्ज कर दिया है और चार्ज करने के बाद मैं आपको वोल्टेज चेक करा रहा हूँ। यह आप देख सकते हैं कि इसमें समथिंग 9 वोल्ट के करीब आ रहा है, 9.77-76 के करीब। तो इस तरह से आप फ्रेंड अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस आरओ के मोटर से चला सकते हैं। आप इसमें एसी भी प्राप्त कर सकते हैं और डीसी भी करंट प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी आपका जो है तो इसको चला सकते हैं। आप एसी बल्ब वगैरह भी चला सकते हैं, चार्जर भी चला सकते हैं, मोबाइल चार्जर वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। और ये आपको आराम से आरओ की जो मोटर है मार्केट में परचेस करेंगे, यदि आप सेकंड हैंड में लेते हैं, नहीं लेंगे तो काफी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। और यदि आप परचेस करते हैं किसी शॉप वगैरह से लेते हैं कि खराब मोटर हमको मिल जाए, तो आप मार्केट से इसको 150 से 200 में ले सकते हैं और इस तरह से फ्री एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड आपको लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस।